ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो सीरीज ऑन जेम्स ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों के रत्न। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस राशि के बारे में, जन्म लग्न होने पर इस राशि में कौन सा जेमस्टोन पहने, जेमस्टोन क्यों पहने, पहनने के क्या नियम है, कितना वेट होना चाहिए, किस उंगली में पहने, कब और कैसे पहने, ये जानने के लिए इसी सीरीज के दूसरे वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों, ये जनरल रिकमेंडेशंस हैं। एक्चुअल में आपको अपना हॉरोस्कोप प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ही जेमस्टोन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजक्शन, डिग्री, दशा और पर्पस को भी कंसिडर करना जरूरी रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की। जेमिनी साइन इसके लॉर्ड है मरकरी यानी बुध देवता, बुद्धि के देवता। सो इस जन्म के लगन के लोगों का जीवन रत्न है एमराल्ड यानी पन्ना। पन्ना इस राशि के लोगों के लिए ढाल का काम करेगा। एमराल्ड ये पूरी लाइफ पहन सकते हैं। ये जेमस्टोन इनकी हेल्थ स्टेटस, ईगो, प्रेस्टेज, फैमिली लाइफ को सिक्योर रखेगा। जेमिनी साइन का कारक रत्न है डायमंड यानी हीरा। वीनस इनके फिफ्थ एंड ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। डायमंड को पहना जा सकता है एजुकेशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, लव अफेयर के लिए और सेक्सुअल रिक्वायरमेंट के लिए। इसको पहनना चाहिए एमराल्ड के साथ अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि वीनस ट्वेल्थ हाउस का भी लॉर्ड है। इसको कब पहने, दशा में या किसी विशेष कार्य के लिए, जब कार्य समाप्त हो जाता है तो इसको निकाल दें। आपका भाग्य रत्न है लकी रत्न जिसको बोलते हैं नीलम यानी सेफायर। शनि देवता इसके एट्थ और नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए नीलम या सेफायर पहना जा सकता है। इसको पहनना कब है, किसी कार्य स्थिति के लिए, दशा पीरियड में, और वो भी एमराल्ड के साथ पहने तो अच्छे रिजल्ट देगा। इनको क्या नहीं पहनना है, रूबी सन के पास लॉर्डशिप है थर्ड हाउस की, तो रूबी आपने बिल्कुल नहीं पहनना है। पर मोती सेकेंड हाउस, मून जो है सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, ये धन भाव का स्वामी होने के साथ मारक स्थान का भी स्वामी है। अगर मून सेकेंड हाउस में हो यानी अपने साइन में, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस में हो, तो दशा और कार्य विशेष के लिए पल को पहने, अदरवाइज अवॉइड करें। टोपाज, पुखराज, बृहस्पति देवता के पास लॉर्डशिप है सेवेंथ एंड टेंथ हाउस की, दोनों इंपॉर्टेंट हाउस है, मगर मिथुन राशि के लिए बाधक है, किसी भी कार्य में बाधा कर सकते हैं। इस पर केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। सो इसको बिल्कुल ही नहीं पहने। मूंगा, कुरल, मार्स के पास लॉर्डशिप है सिक्स एंड इलेवेंथ हाउस की, बुध और मंगल की आपस की नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है। सो दोस्तों, इसको तो गलती से भी टच नहीं करना है। सो जेमिनी साइन के लिए एमराल्ड पहना जा सकता है। टोपाज, रूबी, कोरल पहनने की बिल्कुल मनाही है। पर किसी स्पेशल कंडीशन में पहन सकते हैं। डायमंड एंड सफायर जब भी पहने तो प्रेफरेबली एमराल्ड के साथ पहने तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये तो था मिथुन राशि के लिए जेमस्टोन। हमसे जुड़े रहें, आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।